सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हम डिशवॉशर में फेस करते हैं या जो लोग डिशवॉशर यूज़ करते हैं तो कभी कभी उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि हमारा जो सॉल्ट है या फिर जो हमने टैबलेट डाली है बेसिकली डिशवॉशर की जो टैबलेट हम इनपुट करते हैं वो कभी कभार प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होती, तो उसका रीज़न क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसग्रुप पर, मेरे फेसग्रुप का लिंक ये रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, डिशवॉशर से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डाली हैं कि किस तरीके से डिशवॉशर यूज़ होता है, अलग अलग डिशवॉशर्स का रिव्यू दिया है, डेमो दिया है मैंने, कौन सी टैबलेट यूज़ करते हैं, कौन सी टैबलेट बेनिफिशियल है डिशवॉशर में, टैबलेट का क्या यूज़ है डिशवॉशर के लिए एंड डिशवॉशर की अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग एरर्स को भी मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी एक्सप्लेन किया है। सो आज रिसेंटली एक टॉपिक और मुझे डिस्कवर हुआ, बेसिकली वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी एंड बहुत ही मीगर और बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं तो बेटर है कि सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को खुद ही रिजॉल्व करें। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज डिशवॉशर टैबलेट इज नॉट डिसॉल्विंग। तो ये प्रॉब्लम खुद मैंने भी फेस की है क्योंकि मैं एक बहुत फ्रीक्वेंट यूजर हूँ डिशवॉशर की। आई हैव एलजी डिशवॉशर, तो मैं उसकी काफ़ी फ्रीक्वेंट यूजर हूँ। मैंने कल अपने यूटेंसिल्स धोए तो मैंने देखा कि जो उसका टैबलेट थी, आई यूज फिनिश टैबलेट, जो फिनिश टैबलेट थी वो प्रॉपरली डिजोल्व नहीं हुई। हालांकि बर्तन काफी अच्छी तरीके से धुल चुके थे, काफी अच्छी तरीके से साफ हो चुके थे, बट जो टैबलेट है वो पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं हुई। सो वॉट वॉज द एग्जैक्ट रीजन? रीज़न जब मैंने देखा और जब फाइंड आउट किया तो उसके अलग अलग रीजंस थे। तो सबसे पहला रीज़न था कि मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर दी एंड मैंने प्रॉपरली डिशवॉशर को लोड नहीं किया, उसकी वजह से जो कुछ प्लेट्स थी वो डोर से टकरा रही थी एंड इसकी वजह से जो डोर था वो प्रॉपरली बंद नहीं हो पाया एंड हमारी जो टैबलेट थी वो प्रॉपरली इसलिए घुल नहीं पाई। तो मेरे केस में बेसिकली रीज़न था कि जो मैंने डिशवॉशर में प्लेट्स लगाई थी वो उनमें से एक दो प्लेट्स प्रॉपरली नहीं लगी थी और उसकी वजह से एक हिंड्रेंस आ रहा था डोर को बंद करने में। डोर थोड़ा सा लूज बंद हुआ, हालांकि कुछ भी वाटर या फिर कुछ भी इस तरीके से डोर से बाहर नहीं स्पिल हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, अच्छी तरीके से बर्तन भी धुले एंड बट इसकी वजह से जो मेरी टैबलेट थी वो प्रॉपरली डिशवॉशर में नहीं घुल पाई। जो दूसरा जो रीज़न हो सकता है अगर हमारे डिशवॉशर की टैबलेट नहीं डिसॉल्व होती, तो दूसरा रीज़न ये है अगर आप प्रॉपरली अपने हर चैम्बर में डिशेस को प्रॉपरली लोड नहीं करेंगे तो वो जो टैबलेट है वो डिसॉल्व नहीं होगी एंड दूसरा आपके जो बर्तन है वो भी क्लियरली नहीं साफ होंगे। तीसरा जो है, आपको तीसरी चीज़ अपने डिशवॉशर में जब भी देखें आपको ये देखना है कि उसके जो रोटेटिंग फैंस हैं उनमें कोई भी बर्तन नहीं लगना चाहिए, बीट प्लेट बीट कोई भी आपका बड़ा यूटेंसिल है वो उन फैंस रोटेटिंग फैंस में नहीं लगना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर रोटेटिंग फैंस में आपके कोई भी बर्तन लगेंगे जो पानी है जो डिटर्जेंट है वो कम्प्लीटली रोटेट नहीं हो पाएगा, उससे क्या होगा आपके बर्तन जो है वो अच्छी तरीके से वॉश नहीं होंगे, स्टेन्स रह जाएंगे बर्तन में एंड दूसरा हमारी टैबलेट अगेन कम्प्लीटली नहीं घुल पाएगी। सो अगर आपको अपने बर्तन प्रॉपरली लगाने हैं तो बर्तन किस तरीके से लगाए जाते हैं अपने डिशवॉशर में, हाउ टू लोड डिशवॉशर प्रॉपरली, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है एंड आपको उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो प्लीज़ उस लिंक को ज़रूर जाकर आप चेक कीजिए कि किस तरीके से डिशवॉशर में बर्तन जो है हम लोड करते हैं। हमेशा डिशवॉशर की जो अपर पार्ट होता है वो एडजस्टेबल होता है, उसकी जो रैक होती है वो एडजस्टेबल होती है, चाहे आप एलजी का डिशवॉशर ले लें, चाहे आप बॉश का ले लें या फिर आप आईएफबी या किसी भी डिशवॉशर को ले लें, तो उसका जो अपर वाली जो रैक होती है वो एडजस्टेबल होती है। इन केस आपके बर्तन बड़े हैं एंड अपर वाली रैक के फैन में लग रहे हैं, जो रोटेटिंग फैन होता है अगर उसमें हिंड्रेंस पैदा कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा उठाकर आप लिफ्ट कर सकते हैं एंड प्रॉपरली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो इससे ना तो नीचे के रोटेटिंग फैन में दिक्कत आएगी, आपके बर्तन भी अच्छी तरीके से धुलेंगे एंड आपका जो टैबलेट है वो भी वेस्ट नहीं जाएगा, वो भी अच्छी तरीके से पानी में घुल सकेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी बहुत ही सिंपल एंड ईजी टेक्निक कि किस तरीके से हम अपनी तरफ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है एंड किस रीज़न की वजह से हमारी जो टैबलेट है वो धुल नहीं रही है बिफोर कॉलिंग टू कस्टमर केयर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कोई भी आपको यही सजेस्ट करेगा कि अपने जब भी बर्तन डिशवॉशर में डालें तो उसको प्रॉपरली लोड करें, जिससे कि आपकी जो वॉशिंग है वो ईजी हो जाएगी, अच्छी तरीके से बर्तन साफ होंगे। दूसरा, जो फैंस रोटेट होते हैं डिशवॉशर में वो ईजिली सब तरफ पानी को रोटेट कर सकते हैं एंड हमारी टैबलेट भी जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी। अदरवाइज़ अगर टैबलेट डिसॉल्व नहीं हो पाती है तो इस हमें वो अल्टीमेटली फेंकनी पड़ती, क्योंकि हमारी जो टैबलेट है वो वेस्ट जाती है, क्योंकि आधी चीज़ें उसमें ऑलरेडी चली जाती हैं एंड आधी या कुछ पार्ट सिर्फ हमारी टैबलेट में रह जाता है।
तो वो हमारे लिए अल्टीमेटली वेस्ट है एंड वेस्टेज ऑफ मनी है। सो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो दैट क्यों हमारे डिशवॉशर की जो टैबलेट है वो डिसॉल्व नहीं होती। होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।